जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज की डेट में रेटना डिटैचमेंट, पर्दे का उखड़ना, पर्दे की आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। छोटे छोटे बच्चों की रेटना प्रॉब्लम हो जाती है, पर्दे में होल हो जाते हैं। कुछ बच्चों का जन्म के बाद, कुछ जैसे 1 या 2 महीने बाद पता चलता है कि इनकी आईज में, पर्दे में होल है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि ये होल का मेन रीजन क्या है। तो मेरा नाम सीबी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्र आई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जो हमारा रेटना है, ज़्यादातर इस बीमारी को प्रिस्क्रिप्शन में शॉर्ट वर्ड में लिख दिया जाता है कि इनका आईज में RD हो गया। RD का मतलब होता है रेटना डिटैचमेंट हो गया, रेटना डिटैचमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RD भी बोला जाता है। तो दोस्तों आज हम इस विषय में बात करते हैं कि ये जो मेन है, ये उखड़ता क्यों है। ज़्यादातर इसमें, इस केस में, या तो किसी का कोई एक्सीडेंटल हो, या फिर एक्सीडेंटल के अलावा, या किसी का बहुत ज़्यादा शुगर बहुत हाई रहती हो, जैसे किसी का शुगर 500, 600 इसके आसपास अगर किसी की है, तो उन पेशेंटों में पर्दा बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, पर्दा उखड़ जाता है। उनमें क्या है दोस्तों, जब ब्लड का रिसाव हो जाएगा तो पर्दा वीक हो जाता है। जब पर्दा वीक हो जाएगा तो वो अपनी जगह से हट जाता है और धीमे धीमे उसके अंदर जो काफ़ी विजन कम हो जाता है। जब वो अपना मैकुला, जिस जगह पे इमेज बनती है मैकुला की एरिया में, वो अभी अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाता है। जब मैकुला ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो इस केस में जो हमारी विजन है वो क्लियरिटी नहीं रहती है, क्योंकि हमारा जो मेन है कॉर्निया के बाद आयरिस, प्यूपिल, इसके बाद लेंस, और लेंस के थ्रू जो हमारी इमेज जाती है रेटना पर, और रेटना से फिर हमारा कहाँ बेटर विजन बनता है, मैकुला फोबिया। तो जब वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो उतनी अच्छी क्लियरिटी, उतना अच्छा विजन नहीं रहता है। पता कैसे चले आपको कि ये आपको हो गया है? तो ज़्यादातर जिसका एक्सीडेंट या वैसा कुछ केस होता है उस टाइम पे ये काफ़ी लोगों में देखा गया, या फिर बहुत हाई शुगर रहती हो, या कोई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जो कंटिन्यू मेडिसिन वगैरह बहुत हाई ले रहे हो, या अदर किसी की बीमारी की। इसके अलावा जिसका बहुत हाई मायोपिया, जिसको बोलते हैं, जिसका माइनस का नंबर 8, 9, किसी का 10 है, 12, 14, 15, ऐसे, मतलब इसका हाई मायोपिया होता है, मोटे मोटे लेंस जिसके लगे होते हैं, तो उनको ईयरली एक बार पर्दे की जाँच कराना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि जिनके हाई मायोपिया या हाई माइनस जो पावर होता है, इससे रेटना डिटैचमेंट क्यों हो जाता है। जब कोई आई बॉल हमारा जो नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, देखा होगा आपने कोई बलून है, बलून में एक लिमिट में अगर आप हवा रखेंगे तो उसका साइज इक्वल हर जगह से मिलेगा, और जब आपने देखा होगा कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आई बॉल में हम हवा डाल देंगे, कहने का मतलब है कि उसकी हम सेफ से जब छेड़खानी करेंगे, ऐसे ही अपना आई बॉल है। अगर ये आई बॉल अपना नॉर्मल सामान्य है तो फिर ना तो मायोपिया नंबर होगा ना इसमें, तो जब जो हाई पावर होते हैं, हाई नंबर आते हैं किसी की आँख में, तो वो दोस्तों कब आता है, किस कंडीशंस में वो आता है, कि जब वो आई बॉल का साइज नॉर्मल से कुछ बड़ा होता है। तो जब किसी आई बॉल का साइज बड़ा होगा तो फिर चांसेस रहते हैं रेटना में, किसी किसी को होल भी हो जाता है यदि आपने अर्ली चेकअप नहीं कराया, और आपका आई बॉल का साइज हो सकता कि आपकी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई है, बॉडी ग्रोथ हुआ है, तो हो सकता आपका आईज का साइज चेंज हुआ हो, आई बॉल का भी साइज चेंज हुआ हो, तो आपको ईयरली रेटना चेकअप, डायलेट आइज करा के स्पेक्स का नंबर लिया जाए, जिसका हाई नंबर होता है, तो
तो वो बहुत ही बेटर है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, क्योंकि अगर आप डायलेट करा के पर्दे की जांच करते हैं, अर्ली कराते हैं, तो उसमें आपका एक तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, इसके साथ साथ आपको अपनी रेटना की स्थिति, रेटना का पता चलता रहेगा कि आपका रेटना अभी कितना बेटर है, रेटना में कोई होल या रेटना अपनी जगह से उखड़ा या कहीं से कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, अपनी जगह पे उसकी कंडीशन सही है, आपकी जो विजन है बार बार नंबर बढ़ तो नहीं रहा है, आपका ईयरली या सिक्स मंथ में नंबर बार बार चेंज तो नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में आपको ईयरली चेक कराना, वो भी डायलेटेड आईज, तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। कुछ लोगों को रेटना डिटैचमेंट जैसे डायबिटीज़ हैं या अदर किसी की मेडिसिन लेते हैं या कभी कोई झटके के साथ घर में या अचानक से कहीं गिर गए हैं, तो उस कंडीशंस में भी काफ़ी लोगों का पर्दा उखड़ जाता है, या कोई वजन झटके के साथ कोई सामान उठाते हैं तो उस कंडीशंस में। सर दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि जब हम आसमान में देखेंगे तो आपको मच्छर की तरह उड़ता हुआ काले काली स्पॉट्स से दिखाई देंगे आसमान में आपको, बादल जब आप देखेंगे तो आपको धुआं या काला काला ये सब आपको फीलिंग होगी। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में एक समझाने का प्रयास किया है, तो अगर क्योंकि मैंने बलून इसमें ऐसी वीडियो में इमेजेस डाल दिए हैं कि जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर मैं जो हमारा रेटना डिटैचमेंट होता है, रेटना उखड़ना, पर्दे का उखड़ जाना या पर्दा उखड़ता क्यों है, तो ये काफ़ी मैंने इसमें इमेजेस वीडियो में डाल दिए हैं, तो आप उसके माध्यम से भी काफ़ी समझ सकते हैं। वैसे हमने बहुत ही इसमें इमेज से और वैसे भी काफ़ी इमेजेस हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हमें इसमें कोई ऐसी भी बीमारी कोई लगती है कि आसमान में आप देखते हैं तो आपको कोई काले स्पॉट टाइप के, कोई धब्बे से या कोई मच्छर या कुछ भी उड़ता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा आपको दिख रहा है, तो इसकी माने हो सकता है आपको कुछ रेटना में प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी पर्दे में कोई स्वेलिंग हो, पर्दा अपनी जगह से डिस्टर्ब हो रहा हो, हिल गया हो, उखड़ गया हो, आपको पता ना चला हो। अगर ऐसा आपको लगता है किसी को, क्योंकि ये या तो ज़्यादा एज होने पर या फिर जिसका माइनस फाइबर मायोपिया, हाई मायोपिया, जिसका 4, 5, 6, 8, 10 इससे भी ऊपर के जो पावर होते हैं चश्मे के, जो नॉर्मल आईबॉल के साइज से, जो आईबॉल जिसका बड़ा होता है, जैसे मैंने अभी बलून से समझाने की कोशिश की थी, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे हमारा कहने का मतलब है, बताने का कि जब कोई चीज़ नॉर्मल साइज से बड़ा होगी तो फिर उनमें रिस्क ज़्यादा रहते हैं, जैसे हम बलून में भी कोई ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो बलून फटने का चांस रहता है, ऐसे ही जब हमारा कोई सेफ बदलती है तो सेफ के साथ साथ आपको ईयरली चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। डायलेटेड आईज अगर कराते हैं तो इसमें आपको पता चलता रहेगा कि आपकी रेटना कितनी स्ट्रांग है, अगर कुछ लगेगा तो इसमें सर्जरी वगैरह लेजर से, तो ये बच्चों में भी आजकल काफ़ी बच्चों में भी ज़रूरत पड़ती है जिनके होल हो जाते हैं या पर्दा उखड़ जाता है, जब जिसका तुरंत पता चल जाता है तो उनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना डिले होगा, जितना ज़्यादा एरिया उखड़ जाएगा तो फिर सर्जरी में भी प्रॉब्लम, वो फिर विजन क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। तो दोस्तों जिसका हाई नंबर है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है या अदर किसी की मेडिसिन यूज करते हैं, कंटिन्यू दवाइयाँ लेते हैं, तो ऐसे लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ईयरली डायलेटेड आईज चेक कराना, पर्दे की जांच कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपका पता चलेगा अगर आप ईयरली चेकअप कराते हैं, क्योंकि वैसे आपको हो सकता है पता ही ना चले कि आपका रेटना डिटैचमेंट कब हुआ था, क्योंकि जब रेटना ज़्यादा वो हो जाता है फिर इसकी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद भी विजन उतना शार्पनेस, वो क्लैरिटी नहीं आ पाती, क्योंकि रेटना का जो हमारा सर्जरी भी है अभी काफ़ी इसको डेंजर सर्जरी माना जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये कैटरेक्ट की तरह नहीं है, नॉर्मल जैसे कैटरेक्ट की सर्जरी है वो एक अलग हो गया, ये आपकी थोड़ी सी उससे क्रिटिकल सर्जरी होती है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी, अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगती है
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।